साथीजनों, छत्तीसगढ़ की ये भूमि भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर यहां है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी को, आप सभी भाई बहनों को हमारी आस्था, हमारे देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। यानी जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें भगवान राम सबरी को मां कहकर उनके जूठे बैरों को खाने का आनंद लेते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम वनवासियों को, निषाद राजगृह को अपने भाई से भी बढ़कर बताते हैं। सनातन संस्कृति वो है जहां राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाकर धन्य हो जाते हैं। सनातन संस्कृति वो है जिसमें वानरों की सेना श्री राम की शक्ति बढ़ाकर लंका विजय का कारण बनती है। सनातन संस्कृति वो है जो किसी परिवार में हुए जन्म को नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म उसको प्रधानता देती है। गांधी जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, देवी मां अहल्याबाई होलकर से लेकर मीराबाई तक, हजारों हजार साल ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति हर किसी को प्रेरित करती रही है। ये सनातन संस्कृति है जो संत रविदास और संत कबीरदास को संत शिरोमणि कहकर अपना गौरव बढ़ाती है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, श्यामलाल सोम जी। उन्हें प्रथम जंगल सत्याग्रही कहा जाता है। श्यामलाल सोम जी का जीवन सनातन से ही प्रेरित था। हमारे छत्तीसगढ़ के ही शहीद रामादीन गौंड का तो नाम ही सनातन का प्रतिबिंब रहा है। ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का ऐलान इंडी अलायंस के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, देश के लोगों को इनसे बहुत सतर्क रहना है।
ये भारत की हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये भारत